पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मिरर से नहीं करवानी, रिफ्लेक्शन किससे करवानी है, किसी डेंसर मीडियम से करवानी है, जैसे वाटर, ग्लास, ऐसे। तो जैसे सपोज करो लेक है या सी है, आप सनलाइट सीधी देख रहे हो, आपकी आंखों में क्लियर पड़ेगी, अनपोलराइज लाइट है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप उसके रिफ्लेक्शन देखते हो सी में या रिफ्लेक्शन देखते हो लेक में, क्योंकि लाइट का काफ़ी हिस्सा पानी के अंदर ट्रेवल कर जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके आता है। वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शली पोलराइज या कम्प्लीटली पोलराइज कुछ भी हो सकती है, कम्प्लीटली भी हो सकती है और पार्शली भी, कुछ हद तक फिल्टर तो होगी, राइट। तो इससे बोलते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्कैटरिंग बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर ये अनपोलराइज लाइट है, डॉट का मतलब अनपोलराइज है, और ये क्या हो गई, पोलराइज हो गई, और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे अनपोलराइज जाती है। तो ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, ये एक्सप्लेन्ड है इसमें, यही है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसके अंदर एक स्पेशल एंगल है जिसको पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं। ये एंगल क्या चीज है, ये एंगल है कि अगर आप चाहते हैं कि ये अनपोलराइज लाइट आए, अनपोलराइज लाइट है, और आप चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पूरी तरह पोलराइज हो जाए, तो आपको एक स्पेशल एंगल पर उसको घेरना पड़ेगा। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं, इसको आईपी या पी बोला जाता है। तो अगर आप इस पी एंगल पर या आईपी एंगल पर इसे लाइट को घेरें, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये पता कैसे लगता है कि पी क्या होगा? इसके लिए लॉ है ब्रूस्टर्स लॉ, जो ये कहता है कि अगर आप टैन ऑफ पी लें तो वो म्यू के इक्वल आएगा। कहने का मतलब, अगर मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में रूट थ्री है, तो पी क्या होगा, 60। तो अगर आप लाइट को 60 डिग्री पे घेरेंगे तो लाइट कंप्लीटली क्या आएगी, पोलराइज्ड आएगी। ये लॉ है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ये लॉ को हम क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, तो स्पेशल एंगल है पोलराइजिंग एंगल, इसके ऊपर घेरना है। किसके ऊपर? इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुली पोलराइज्ड। लेकिन विद अ कंडीशन कि म्यू मस्ट बी इक्वल टू टेन ऑफ पी या म्यू मस्ट बी इक्वल टू टेन ऑफ आईपी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद एक रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास ये लाइट आई जो कि अनपोलराइज्ड है, और लाइट क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई, कंप्लीटली पोल। कब? क्योंकि आपने इसको किस एंगल पे घेरा, आईपी पे घेरा, क्लियर है। और कुछ लाइट का हिस्सा क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो अगर ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो प्रूव करो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 90 ही बनेगा, ये प्रूफ करो। तो इसके लिए काम करेंगे, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहते हैं, म्यू क्या होता है, 10p, और स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, म्यू क्या होता है, साइन पी बाय साइन आर। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पी या मैं क्या ले रहा हूं, पी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या ले रहा हूं, आर। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन पी बाय साइन आर। क्या स्टेप क्लियर है? तो एक हमने दोनों लॉज लगा दिए, एक ब्रूस्टर्स लॉ लगा दिया और एक स्नेल लॉ लगा दिया, दोनों को इक्वेट कर लो। टेन पी क्या होता है, साइन पी बाई कॉस पी, साइन पी कैंसल, तो साइन आर इज इक्वल टू कॉस पी, कॉस पी को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस पी, तो यानी कि आर इज इक्वल टू 90 माइनस पी, तो या आर प्लस पी इज इक्वल टू 90। तो आर प्लस पी 90 का मतलब क्या है, आर प्लस पी 90 का मतलब है कि अगर ये एंगल पी है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी पी है, और ये एंगल आर है, और मैं प्रूव कर चुका हूं कि आर और पी का सम 90 है और टोटल एंगल 180 है, तो बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 90। तो ये प्रूव हो गया कि बचा हुआ एंगल क्या बनेगा, 90। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके अंदर जो अभी हम वो देख रहे थे ना वीडियो, उसको कंटिन्यू करके दिखाता हूं कि उसने क्या समझा रहा था और कहां मैंने रोका था इसे। ये देखो, another polaroid, we will call this as a laser. If the path axis of polarizer is parallel to the path axis of analyzer, the emergent light
will have no change in intensity, that is, when theta is equal to 0 degree or 180 degree, the intensity is maximum, that is, I is equal to I naught by 2. I naught is the maximum intensity. If the analyzer is rotated by an angle theta, then the intensity of the emergent light decreases. When the pass axis of the analyzer is perpendicular to the pass axis of the polarizer, then no light will be transmitted out of the analyzer. That is, when theta is equal to 90 degree, then the emergent intensity I is equal to 0. Now, Malus' law states that when a completely plane polarized light is I, this method was first to produce plane polarized light is by reflection. This method was first discovered by Malus in the year 1808. It was found that when an unpolarized light is incident on a surface of transparent medium like water or glass, some part of the light got reflected and the rest got refracted through the material. Here, the straight arrows represent vibrations perpendicular to the plane of the surface, and the dots represent vibrations parallel to the surface. Now, if we observe the reflected light, we can see that it contains more number of dots than the arrows, which means that the reflected ray is partially polarized. Similarly, if we look at the refracted ray, we can see that it is almost unpolarized. It was found that as the angle of incidence changed, the degree of polarization of the reflected ray also changed. Then, at a particular angle of incidence, the reflected ray is completely plane polarized and the vibrations are parallel to the surface of water. This particular angle is called Brewster's angle or the polarizing angle. Brewster's law states that when a light is incident, medium is equal to this is known. 56.3 degree will be the east by scattering. This is also known as 2 degree. Polarization by scattering. Just as unpolarized light can be partially polarized by reflection, it can also be polarized by scattering. This is also known as Rayleigh scattering. Since light waves are electromagnetic in nature, they will vibrate the electrons of air molecules perpendicular to the direction in which they are traveling. The electrons then produce radiation that is polarized perpendicular to the direction of the ray. However, there is no polarization parallel to original direction of the incident light. The light perpendicular to the original ray is completely plane polarized. In all other direction, the light scattered by the air molecules will be partially polarized.